नमस्कार, स्वागत है आपका घुमोजी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी में। मैं हूं आपके साथ अविरल और शुरू करते हैं आज की वीडियो मुख्य खबरों के साथ। मनाली में पारा लुढ़कने से जमने लगी झीलें और झरने, सैलानियों को नहीं हो पा रहा है बर्फ का दीदार। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। हालांकि अक्टूबर 30 के बाद प्रदेश की ऊंची चोटियों में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन ठंड से प्रदेशवासियों की दिक्कत को बढ़ा दिया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में भी बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया था, उससे लग रहा था कि सर्दियों का जल्द आगाज हो जाएगा, लेकिन अक्टूबर के बाद घाटी से बर्फ ऐसा रूठा कि नवंबर में भी एक भी दिन बर्फ के फाहे तक नहीं गिरे। रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद पर्यटकों ने किया लाहौल का रुख। 24 घंटे में 5000 वाहन अटल टनल के आर पार। व्यास में झीडी से फरमेटा फार्मा तक होगी रिवर राफ्टिंग। पनारसा तक 3 जगह पाई गई हैं खामियां। जिला मंडी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग के साथ रिवर राफ्टिंग की राह भी साफ हो गई है। व्यास नदी में 6.5 किलोमीटर के रिवर राफ्टिंग साइट में पहले झीडी से फार्मेटा तक 4.5 किलोमीटर एरिया राफ्टिंग के लिए सही पाया गया है। इससे पनारसा तक करना था, लेकिन 2 जगह खतरा होने के कारण बाद में इसका ट्रायल होगा। वहीं देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी की मौत की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेगा प्रशासन। देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी की मौत की एक बार झूठी से झूठी खबर सूचना इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी गई। अब प्रशासन इस मामले पर कड़ा संज्ञान ले रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 48.4 लाख लोगों को लगी वैक्सीन की दूसरी डोज। हिमाचल प्रदेश में 48.4 लाख लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक का टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में 23 लाख की आबादी को दूसरी डोज लगाई जानी है, जो कि 3 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग को यह लक्ष्य पूरा करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य भर में 48.4 लाख लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। बिलासपुर में एम्स का शुभारंभ 5 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। सिरमौर में 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है बूढ़ी दिवाली का पर्व। सप्ताह भर चलेगा सांस्कृतिक संध्याओं का दौर। हिमाचल प्रदेश शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं 17 दिसंबर से हो रही है शुरू। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। मिलते हैं जल्दी अगली बड़ी खबरों के साथ।